अरे रानी क्या बेवकूफ बनाती है, उसे किस तरह से प्लान करते हैं कि राजा को ऊपर चढ़ा के दिखाएंगे। आई मीन आई थिंक इट्स अभी तक द स्टोरीज आर अमेजिंग। नहीं, इस फिल्म को बनाने की मेन वजह होगी तुम। अच्छा तो फिर पिछली स्क्रिप्ट क्यों रिजेक्ट कर दी थी? हाँ, प्रोजेक्ट वायबल भी तो होना चाहिए ना। नितिन, जस्ट इमेजिन, जोरों की बारिश हो रही, बिजली कड़क, शाम का ट्रैफिक धीमी रफ्तार। ड्राइव कर रहे हो जान? भेड़ चला रहा हूं, अमची मुंबई नगरी की भीड़ में। कितनी देर में पहुंचोगे? बुड्ढा होने से पहले तो पहुंच ही जाऊंगा। बोलो ना जान, कब पहुंचोगे? मैं चाय और शाय के लिए वेट कर रही हूँ, जब से तुम गए हो तब से। नीना मुझसे ऐसे फोन पर बात करती थी जैसे कल ही हमारी शादी हुई हो। बार बार फोन करके पूछती थी, जान कब लौटोगे, कब लौटोगे। मैं खुश होता था, सोचता था बेचारी कितना मिस करती है मुझे। मुझे क्या मालूम था, वो इसलिए पूछती थी ताकि मेरे घर पहुंचने से पहले उसको घर से पटा दे। एक्सक्यूज मी। हाँ नहीं, हेलो, मंजुला भाभी का फोन है। नहीं नहीं, क्या नहीं? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ कैसे नहीं जान, मैं हूं ना। अच्छा हाँ, तुम जो बैंकॉक से डीवीडी लाए थे ना, वो मिल गई, आज वही देखेंगे। हम लोग रोज रात को फिल्में देखते थे, वैसी वाली, तू समझ गया ना? बता यार, ऐसे में भला कौन सोच सकता है कि उसकी बीवी उसी का उल्लू बना रही है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा पता किस पे आता है? देव पे आता है, हीना पे नहीं आता है। क्यों? देव को जिगरी दोस्त समझता था मैं, और उसी साले ने, बास्टर्ड, होना पता क्या चाहिए था, उन्हें साथ देखकर ना मैं दोनों को जान से मार देता। लेकिन उसी को हार्ट का अटैक पड़ गया। सेंसिटिव आदमी उन्हें यार, कैसे भागती हुई आती थी वो मेरी घंटी सुन के। हाय मंजुला, मुझे हाथ मुंह तो धो लेने दो। मुझे तुम्हारे पसीने की स्मेल अच्छी लगती है। जानते हो, मैं सुबह से वेट करती हूँ कि कब तुम लौटो और कब मैं तुम्हें अपने बाहों में ले लूं। वो मुझे हाथ मुंह भी नहीं धोने देती थी, चाय वाय की तो बात ही छोड़ दे, सीधा ही घर में घुसता ही बस बेडरूम और मंजुला आज नहीं। क्यों? बस आज मूड नहीं है। मूड को क्या हुआ? सतीश की बीवी ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी बीवी ने तो ऐसा नहीं किया ना। क्या मेरी बीवी ऐसा कर सकती है? औरत त्रियचरित्र होती है, कुछ भरोसा नहीं। नहीं जान, जब तक तुम्हारा प्यार और भरोसा मेरे साथ है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मिस अवंत बनाए? हाँ। मंजुला, मंजुला। सतीश के साथ भी ऐसा ही सब हुआ। सतीश की बीवी। उर्मिला। तेरा हस्बैंड। वो अपना इलाज करा किसी साइकेट्रिस्ट से। मैं अंजलि छाबरिया को जानता हूँ। अरे एक सतीश की बीवी ऐसी निकली तो तू मंजुला भाभी पे शक करने लगा? धीरे बोल यार। सिर्फ यही बात नहीं है, उसे 24 घंटे और कुछ सोचता ही नहीं है यार। हनीमून पे मैंने उसको अपने सारे अफेयर्स के बारे में बता दिया,
पर वो कहती है कि उसका आज तक कोई अफेयर हुआ ही नहीं। यार आजकल के जमाने में इतनी खूबसूरत लड़की का एक भी अफेयर नहीं हुआ, इज इट पॉसिबल? मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में चोर है ना। ओथेलो पढ़ी है ना? ओथेलो भी पढ़ी और ओमकारा भी देखिए, इसीलिए तो यार मैं इस शक के सांप को हमेशा के लिए कुचल डालना चाहता हूँ। आई लव हर टू मच यार, एंड दैट्स द रीजन आई डोंट वांट दिस टू एंड अप इन अ ट्रेजेडी। नहीं नहीं नहीं, पी तो बाश, लाइट ले बेटा, शिंजने के पास जा, उसे देख, बाद में डायलॉग बोल। हाँ उर्मिला, उर्मिला क्या है? ये कौन है? तू है? किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को अप्रोच करें? इट्स टू पर्सनल, आई कांट टेक दैट रिस्क। तो तू चाहता क्या है यार? ये अगर मुझे पता होता तो मैं तेरे पास क्यों आता? अच्छा सुन, कॉलेज में तुझे मिमिक्री के लिए फर्स्ट प्राइज मिला करता था, है ना? हाँ तो तुझे अपनी जासूसी खुद करनी होगी। कैसे? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि मैं कंपनी के काम से जा रहा हूँ, हनीमून मनाने नहीं। अगर मैं साथ चलूंगी तो दोनों काम हो जाएंगे। देवी मुझे क्षमा करो। एक शर्त पर, आज हम सारी रात जागेंगे। बैंगलोर अजीब आदमी है यार, और उसने मुझे प्रॉमिस किया था मेरे प्ले की ओपनिंग नाइट पे जरूर आएगा। मेर कॉपी लो, और ये तो खास उसे मिलने न्यूयॉर्क से यहाँ आया है। आई एम नील कांत, दुनिया में सर दोए कांत, एक रजनीकांत, एक नीलकांत, और एक काल में नील। मैं और मंजुल रूममेट थे हॉस्टल में, उसने कभी मेरा जिक्र नहीं किया। नहीं। चलो चलो तुम लोग ऑडिटोरियम में जाके बैठ जाओ, प्ले इज अबाउट टू बिगिन। हां, वी कम फॉर प्ले, कम कम, आई विल टेक यू, थैंक यू। मैं समझ गया कि उसने आपको मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। क्यों नील? हां उर्मिला, तुम चले जाओ यहां से प्लीज, मैं तुम्हें अपना दिल नहीं दे सकती। लेकिन क्यों उर्मिला? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। उर्मिला पिछले वाली के तो दो बच्चे भी थे। You know the original joke, don't you? No. लड़की कहती है मैं तुम्हें अपना दिल नहीं दे सकती, तो लड़का कहता है मैं इतने ऊपर की सोच भी नहीं रहा था। You like it, don't you? Sorry, huh? You see, एडल्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल बहुत सुपर हिट प्ले। सी, ये मेरा थर्ड प्ले। मैं कहता हूँ कम से कम 500 शोज इसके होने ही होने, चाहे क्रिटिक्स कुछ भी कहे। फिफ्थ वन फॉर द लेडी। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। तो मंजुल ने मुझे आपके बारे में बताया क्यों नहीं? अब छोड़ो ना, डोंट स्पॉइल योर इवनिंग। बताइए ना। गिल्टी फील कर रहा होगा। गिल्टी? छोड़ो ना, अब जाने दो उसे। दरअसल वो मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ।